ऑस्ट्रेलिया को 2015 में वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने माथे से स्किन कैंसर की सर्जरी करवाई और फोटो भी शेयर की। साल 2006 में क्लार्क को पहली बार पता चला था कि उन्हें स्किन कैंसर है और उनके चेहरे और माथे पर यह कैंसर है। रविवार को क्लार्क ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी कि उनके माथे की सर्जरी हो गई है। ये क्लार्क की चौथी सर्जरी है। इससे पहले उनके चेहरे की भी सर्जरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। माइकल क्लार्क ने 2015 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तुरंत ही क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि तब से ये खिलाड़ी क्रिकेट कमेंट्री करते हुए दिख जाता है। सर्जरी के बाद भावुक क्लार्क ने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, एक और दिन मेरे चेहरे पर एक और स्किन कैंसर कट। बाहर मौजूद सभी युवा ये सुनिश्चित करें कि वो सूरज से बचने के लिए सही कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि माइकल क्लार्क साल 2010 से कैंसर काउंसिल के एम्बेसडर हैं। साल 2014 में वो कैंसर काउंसिल के विज्ञापन कैंपेन से जुड़े थे, जिसमें उन्होंने युवा खिलाड़ियों को अपनी त्वचा को बचाने की सलाह भी दी थी। स्किन कैंसर की समस्या एक खतरनाक बीमारी है। ज्यादा देर तक धूप में रहने से ये समस्या किसी को भी हो सकती है। शरीर के जिन हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जैसे हथेली, उंगलियां, नाखून की त्वचा, पैर के अंगूठी की त्वचा पर कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि माइकल क्लार्क स्किन कैंसर से लड़ रहे हैं। आपको बता दें, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी कैंसर को मात दे चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।